स्वराज, महात्मा गांधी ने लिखा है इसे। इसमें वो डिस्कस करते हैं कि स्वराज क्या है, भारत के लोग अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या वे सिर्फ ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ भारत से चले जाएं, या फिर अन्य तथ्य जो भारतीयों के मन में चल रहे थे जब भारत आज़ाद होने को था। तो क्या यही स्वराज्य है जो हम चाहते हैं, जो सिर्फ भारतीय चाहते हैं? तो इस पर प्रकाश डाला है, क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से इसको डिस्कस किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रीडर अर्थात पाठक, जो पढ़ रहे हैं अर्थात हम लोग, कहते हैं, पाठक कह रहा है कि हाँ, मुझे पता चला कि कांग्रेस ने भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या किया है। विभाजन ने कैसी जागृति पैदा कर दी, विभाजन जब भारत का हुआ इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया से कटकर पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान कटकर बन गया जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को, और एक ओरिजिनल पाकिस्तान जब भी टूट कर पैदा हुआ, तो कैसे भारतीय मन में अचानक जगा कि नहीं, सिर्फ भारत सिर्फ अंग्रेजों का चला जाना है कुछ नहीं है, भारत को अखंड होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ये बात भी भारतीयों के मन में आ गई थी। और कैसे जब विभाजन हुआ तो सबके मन में असंतोष सा फैल गया था, पूरे देश में अशांति का माहौल सा छा गया था। अब पाठक कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, गांधी जी से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विचार में स्वराज्य है क्या। लेकिन हाँ, मुझे डर है कि जो आप स्वराज मानते हैं और जो मैं स्वराज मानता हूँ, अर्थात जो पाठक स्वराज मानता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, इसमें थोड़ी सी व्याख्या सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होगी, मुझे इस बात का डर है। इस पर गांधी जी जवाब देते हैं। एडिटर कि हाँ, हो सकता है हम दोनों एक तरह से ना सोचें, हमारी भावनाएं अलग हों, आप और मैं सभी यही चाहते हैं कि भारत इंडिपेंडेंट हो जाए, अर्थात स्वराज्य भारत को प्राप्त हो जाए, लेकिन हम अभी तक यह निश्चित कर नहीं पाए हैं कि आखिर स्वराज्य है क्या। अंग्रेजों को भारत से भगाने का विचार है ना, जो सबके मुँह से सुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बहुतों ने ठीक से सोचा होगा कि ऐसा होना क्यों चाहिए, आखिर हम अंग्रेज़ों को भारत से भगाए क्यों। मुझे लगता है एक प्रश्न यह भी पूछा जाना चाहिए, क्या हमें नहीं लगता कि अगर हमें वह सब कुछ मिल जाए जो हम चाहते हैं, तो अंग्रेज़ों को भगाना ज़रूरी है? हाँ, अगर भारतीयों ने जो जो मांग की थी, अगर वो मिल जाए, तो क्या अंग्रेज़ भारत से चले जाना इम्पोर्टेंट था? यह बात गांधी जी कहते हैं। तो फिर रीडर कहता है, मुझे उनसे केवल एक बात पूछनी थी, किससे? अंग्रेज़ों से। वह बात यह है कि कृपया हमारा देश छोड़ दे, वही राग कि अंग्रेजों भारत छोड़ दे। यदि इस अनुरोध का पालन करने के बाद भी भारत में उनके वापस आने का मतलब कि वे अभी भी भारत में हैं, अगर वो ऑथेंटिक रूप से यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर वो यहाँ पर हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब हम ये समझेंगे कि उनकी भाषा में गया शब्द रहने के बराबर है, यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग है। फिर गांधी जी कहते हैं, एडिटर कहता है, तो ठीक है, मान लीजिए सारे अंग्रेज सेवानिवृत्त हो गए, मतलब सारे अंग्रेज उस पोस्ट पर नहीं हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें अब करना चाहिए, वो सिर्फ भारत में हैं, तो क्या करेंगे? तो रीडर कहता है, इस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, वापसी के बाद की स्थिति काफ़ी हद तक इस तरीके पर निर्भर करेगी, यदि जैसा आप मानते हैं वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो मुझे लगता है हम अभी भी उनके संविधान को बनाए रखेंगे, सरकार को चलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर अंग्रेज भारत को तुरंत छोड़ दिया, फिर अपने सारे पोस्टों को उस वक्त तुरंत छोड़ भी देते, तो क्या करते हम लोग? वही उनका ही ढकियान, उसी जो पुराना सिस्टम था, उसी को चलाते, उन्हीं के तरीके से सरकार को चलाते ना। अगर वे केवल पूछने के लिए सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो हमारे पास एक सेना आदि तैयार होनी चाहिए, इसलिए हमें सरकार चलाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर एडिटर कहते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, मतलब हम ऐसा सोचते हैं, गांधी जी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन मैं अभी इस प्रश्न के मामले में चर्चा नहीं करता, इसे आपके प्रश्न का उत्तर देना होगा, और यदि मैं आपसे कई प्रश्न पूछकर अच्छा कर सकता हूँ, आप अंग्रेज़ों को क्यों भगाना चाहते हैं? गांधी जी फिर पूछते हैं, तो रीडर कहता है, क्योंकि
उनकी सरकार ने भारत को दरिद्र करके रख दिया। वे यहाँ से बहुत कुछ लूट कर ले गए, सारा पैसा छीन ले गए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पद है भारत में जो भारतीयों को मिलने चाहिए वो उन्होंने अपने लिए रिज़र्व कर रखे हैं, अपने लिए रिज़र्व कर रखे हैं। और खुद और वो और उन्होंने हमें गुलामी की स्थिति में रखा है। वे हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत ही अभद्र है, रूखा व्यवहार करते हैं, उन्हें हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो फिर एडिटर गांधी जी कहते हैं, अब एक वो तर्क देते हैं कि अच्छा क्या होता अगर वे हमारा पैसा ना लेते, नम्र बन जाते, सारा जिम्मेदार पद हमें ही दे देते, क्या तब भी आप मानेंगे कि उनकी उपस्थिति हानिकारक है? पाठक अर्थात एडिटर कहता है, सॉरी रीडर कहता है, यह प्रश्न ही बेकार है, यह इस प्रश्न के समान है कि यदि जो शेर है अर्थात बाघ है वो अपना स्वभाव बदल देता है तो क्या उसकी संगति में रहने में कोई हानि नहीं है, हानि है या नहीं? ऐसा प्रश्न समय की बर्बादी है। जब बाघ अपना स्वभाव बदल लेगा तो अंग्रेज भी अपना स्वभाव बदल लेंगे, अर्थात बाघ कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता तो अंग्रेज भी कभी अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, उनका मानसिकता ही कॉलोनियलिज्म का है और इसे संभव मानने के लिए मानव अनुभूति के विपरीत है। अर्थात ये हो ही नहीं सकता कि अंग्रेज अपना स्वभाव बदल लें। संपादक अर्थात फिर एडिटर कहता है, अच्छा मान लीजिए कि हमें कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के समान स्वशासन मिलता है तो क्या यह अच्छा होगा? रीडर यह प्रश्न भी व्यर्थी है, हम इसे तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास समान शक्तियाँ हों, मतलब हमारे पास अपना झंडा हो, जापान जैसा भारत होना चाहिए जिसके पास अपनी नौसेना हो, उस सेना का मालिक खुद भारतीय होना चाहिए, हमारा अपना वैभव होना चाहिए, भारत की आवाज़ दुनिया में गूंजे कुछ ऐसा होना चाहिए। एडिटर आपने चित्र बहुत अच्छे तरीके से खींचा, मतलब बहुत सही तरीके से कहा कि भारत स्वराज्य कैसा होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेजी शासन चाहते हैं, मतलब जैसे अंग्रेजों ने बना कर गए हैं वैसा ही रहे, बस अंग्रेज न रहें, आप यही तो चाहते हैं? आप बाघ की प्रकृति तो चाहते हैं लेकिन बाघ ही नहीं चाहते, यानी अब भारत को अंग्रेज बना देंगे, अंग्रेजी हो जाएगी भारत हिंदुस्तान को नहीं, तब तो ये जो सिस्टम आप बना रहे हो कि हिंदुस्तान नहीं इंग्लैंड हो जाएगा, यह वह स्वराज्य नहीं है जो मैं चाहता हूँ और शायद कुछ दिन बाद आप भी नहीं चाहोगे। रीडर मैंने स्वराज्य के बारे में अपना विचार आपके सामने रख दिया है, मतलब हमने रख दिया है, जैसा मुझे लगता है कि स्वराज ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने बोला। और कहता है यदि हमें मिली शिक्षा किसी काम की हो, और यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि अगर स्पेंसर और मिल और अन्य कोई कार्यों का महत्व है, और यदि अंग्रेजी शासन अंग्रेजी संसद जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो संसदों की जननी है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमें अंग्रेजी लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर बदला ना, और इस हद तक कि जैसे भी अपने देश में किसी दूसरे को पैर जमाने की अनुमति नहीं देते वैसे हमें भी दूसरों को अपने देश में पैर जमाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने अपने देश में जो किया वो किसी और देश में नहीं किया, अर्थात अपने देशों को डेवलप कर लिया और दूसरे देशों में जहाँ वो कॉलोनीज में ना करें उन्हें लूट कर रख दिया, इसलिए उनके संस्थानों को आयात करने हमारे लिए उचित है। लेकिन अब मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। एडिटर कहता है धैर्य की आवश्यकता है, स्वराज बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। अभी जो भी मैंने कहा इस दौरान मेरे विचार अपने आप विकसित हो जाएंगे, आपके विचार मेरे विचार से अपने आप विकसित हो जाएंगे, आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्वराज्य के वास्तविक स्वरूप को समझना मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना ही आपको यह आसान लगता है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यह दिखाने का प्रयास करता हूँ कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ। जिसे आप स्वराज्य कह रहे हैं असल में वो स्वराज्य नहीं है, और यही सत्य है। और यहाँ पर खत्म।